नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं जितने भी महत्वपूर्ण डे हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं पूरे हमारे कैलेंडर ईयर में पढ़ते हैं, उनको मैं आपको डिस्कस करूंगा और साथ में उनके महत्व के बारे में भी डिस्कस करेंगे और उनको याद रखने के कुछ तरीके भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। अभी जैसे कि पटवारी एग्ज़ाम एमपी में चल रहा है और अदर स्टेट्स में पुलिस से रिलेटेड एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उन सभी एग्ज़ामों के पैटर्न में एक या दो डे से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक बन जाता है और ये आपको हमेशा याद रहेगा। ऐसा इसको आज हम लोग करते हैं तैयार। तो स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण दिवस। तो इस वीडियो में मैंने हर एक टॉपिक से रिलेटेड डे को अलग अलग कैटेगराइज कर लिया है। तो सबसे पहले हम जितने भी एनवायरनमेंट के टॉपिक है उनसे रिलेटेड जो डे पढ़ रहे हैं वो डिस्कस करते हैं। तो पहला है 2 फरवरी, जो 2 फरवरी को होता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। ये वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। वेटलैंड क्या होता है आपको ये होना चाहिए पता। तो वेटलैंड का यहाँ पे मीनिंग कोई भी ऐसी जगह जो वाटर से सैचुरेटेड रहती है, वाटर से भरी हुई रहती है। सपोज आप लेक मान लो, कोई एक झील मान लो, या फिर कोई एक छोटा सा तालाब मान लो, इन सबको हम वेटलैंड कहते हैं। और इसको एक सभी देशों की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 2 फरवरी को 1972 में, जिस रामसर एक जगह है ईरान में जिसको बोलते हैं रामसर कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। तो तब ये माना गया था कि 2 फरवरी को हम इनको कंजर्व करने के लिए, इनको बचाने के लिए एक डे मनाएंगे जिसको हम वर्ल्ड वेटलैंड डे कहेंगे। तो 2 फरवरी को मनाया गया क्या? वर्ल्ड वेटलैंड डे। अब 2 में एक और जोड़ेंगे तो हम क्या हो जाएगा, 21 मार्च। इस तरीके से हम याद रख लेंगे 21 मार्च को वेटलैंड डे था क्या, पानी वाली जगह को। अब 21 मार्च को क्या हो रहा है, जितने भी जंगल हैं उनको बचाने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन चल रहा है, ये 21 मार्च को है। अब 22 मार्च को हमें क्या बचाना है, पानी बचाना है। 21 मार्च को हमने जंगल बचा लिए, 22 मार्च को हम क्या बचाएंगे, पानी। तो 22 मार्च को ये वर्ल्ड वाटर डे है, इसको इस दिन वाटर कंजर्वेशन कैसे किया जाए ये सब इस पर सब जगह गतिविधियां होती हैं। तो वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च। अब मार्च के बाद आ गए अप्रैल। तो अप्रैल के 10 तारीख, अब 10 में 10 आता है। 0 क्या है, गोल है। गोल हमारा क्या है, एटमोस्फियर, जो हमारे चारों तरफ का एटमोस्फियर है, वातावरण है। इस तरीके से हम याद रख लेंगे 10 अप्रैल को क्या, एटमोस्फियर डे मनाया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद है 22 अप्रैल। 22 मार्च को हमने क्या बताया था, वाटर डे। तो एक महीने बाद हम अब क्या कंजर्व करेंगे, अर्थ डे। तो इसका 22 अप्रैल को क्या बनता है, इंटरनेशनल मदर अर्थ डे या पृथ्वी दिवस जिसको हम बोलते हैं। अब 22 अप्रैल जस्ट एक 22 अप्रैल के जस्ट एक महीने बाद क्या आ गया, 22 मई आ गई। तो इस दिन क्या बन कि हम बचाने की कोशिश करते हैं हमारी बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता दिवस इसको बोलते हैं। इसके बाद 5 जून को ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिवस है, एनवायरनमेंट डे। तो एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लीजिए, ये भी आ सकता है। 1972 से ये मनाना चालू हुआ गया था। इस दिन एक सभी देशों की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। तो इस दिन से ही डिसाइड किया गया था कि 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाएगा। और ये जो डेज हैं सभी हर साल एक नई थीम के साथ मनाए जाते हैं। तो कभी कभी थीम भी पूछ ली जाती है। इस साल की जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम थी वो थी कनेक्ट द पीपल टू द नेचर, कि सभी लोगों को नेचर के साथ जोड़ना, इस तरीके की थीम के साथ ये 5 जून 2017 का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया था। तो आप लोग और भी ये थीम सर्च कर लें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि 11 जो अर्थ डे था उसकी थीम क्या थी, बायोडाइवर्सिटी डे की थीम क्या थी 2017 की, जिससे को आपको याद हो जाएगा।
अब 1 से 7 जुलाई को क्या मनाया जाता है, वन महोत्सव मनाया जाता है। ये हर एक स्टेट में और हर एक देश में अलग है। तो मध्य प्रदेश के केस में अगर हम देखें तो 1 से 7 जुलाई ये वन महोत्सव मनाया जाता है। 11 जुलाई को मनाया जाता है पॉपुलेशन डे, नीली जनसंख्या है उसको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे मैनेज करना है, इससे रिलेटेड डे 11 जुलाई को मनाया जाता है। 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन डे, ओजोन जो लेयर है उसके रख रखाव हेतु एक डे मनाया जाता है, इसको बोलते हैं ओजोन डे। ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। अब 2 से 8 अक्टूबर वो होता है वाइल्ड लाइफ वीक, वन्य जन जीव से रिलेटेड जो लाइफ है उसका वीक मनाया जाता है 2 से 8 अक्टूबर। और 14 नवंबर जो बाल दिवस भी होता है उस दिन, ये 14 नवंबर को एनर्जी कंजर्वेशन डे भी मनाया जाता है। तो ये पूरे एनवायरनमेंट से रिलेटेड डे हैं, इनसे रिलेटेड डे हमेशा पूछे जाते हैं, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 2 फरवरी वेटलैंड डे, 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, 22 मार्च को है वाटर डे, 10 अप्रैल को है एटमोस्फियर डे, 22 अप्रैल को अर्थ डे, 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे, 5 जून को एनवायरनमेंट डे, 1 से 7 जुलाई वन महोत्सव, 11 जुलाई पॉपुलेशन डे, 16 सितंबर ओजोन डे, 2 से 8 अक्टूबर जो है वाइल्ड लाइफ वीक है, और 14 नवंबर एनर्जी कंजर्वेशन डे। दोस्तों इसमें से जो रेड मार्क हैं, खास तौर से अर्थ डे, वाटर डे और एनवायरनमेंट डे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, आप इनको याद कर लीजिए। अब अगले हम डे देखते हैं। दोस्तों अब अगले डे हैं अलग अलग डिसीज से रिलेटेड, उनसे जागरूकता हेतु डेज मनाए जाते हैं, तो हम इनको याद रखते हैं अलग अलग तरीकों से। तो दोस्तों वर्ल्ड कैंसर डे ये 4 तारीख को मनाया जाता है, 4 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। तो कैंसर डे है, कैंसर डे को हम ऐसे याद रखेंगे कि कैंसर से क्या हो जाती है, फौरन मौत हो जाती है, ठीक है? तो कैंसर से फौरन, फौरन से हो गया फरवरी। और ये 4 स्टेज होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और लास्ट स्टेज। तो ऐसे हमें 4 फरवरी से 4 फौरन मौत हो जाना, 4 स्टेज, इस तरीके से हम वर्ल्ड कैंसर डे याद रख लेंगे, 4 फरवरी। अब है वर्ल्ड किडनी डे, वर्ल्ड किडनी डे। अब किडनी के बिना हम जी सकते हैं? नो, किडनी के बिना नहीं जी सकते, क्या हो गया? नो, मर जाएंगे। तो 9 मार्च इससे हम याद रख सकते हैं, किडनी के बिना हम जी सकते हैं? नो, और क्या है? मार्च, मर जाएंगे। तो 9 मार्च से हम किडनी डे हमेशा याद रख सकते हैं। अब है वर्ल्ड ट्यूबर क्लोसिस डे, 24 मार्च। तो अब जिसको सर जिसको टीबी हुई होती है वो क्या करता है, 24 घंटे उसको खांसी आती है, और खांसी कर करके वो क्या हो जाता है, मर जाता है। तो इस तरीके से हम डिसीज है इसको यानी सीरियस नहीं लेना है, जस्ट फॉर ट्रिक, याद करने के लिए है। तो जो जो टीबी पेशेंट होते हैं उनको क्या होता है, 24 घंटे क्या होती है, 24 घंटे उनको खांसी होती है, जिससे वो एकदम से मरने जैसी हालत हो जाती है। तो 24 मार्च इससे हम याद रखेंगे, ये क्या होता है, ट्यूबर क्लोसिस डे। अगला है 7 अप्रैल, हेल्थ डे। तो इसको अपन को 7ों दिन, अपन को 7ों दिन, एपी से 7ों दिन, अपन से हो गया अप्रैल, 7ों दिन हमें हेल्दी रहना है, ऐसा हमें एक लाइन इसमें हम याद रखेंगे, तो हमें ये याद हो जाएगा 7 अप्रैल को क्या है, हेल्थ डे। अपन को 7ों दिन हेल्दी रहना है, अपने को 7ों दिन हेल्दी रहना है। तो 7 अप्रैल से हमें क्या आ गया, हेल्थ डे, ऐसे याद रह जाएगा। अगला है वर्ल्ड मलेरिया डे, ये है 25 अप्रैल। तो अपन ने एक 25 फूलों की माला बनाई, तो ऐसे हमें याद आ जाएगा, अपन से अप्रैल, 25 से 25 अप्रैल, और माला से मलेरिया, ठीक है? 25 फूलों की माला, तो अपन फूलों से ऐसे भी याद रखेंगे, अप्रैल फूल अप्रैल में पड़ता है, तो इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। तो 25 फूल आप याद रखोगे तो माला, 25 फूल की माला, तो इससे हमें अप्रैल फूल से अप्रैल याद रहेगा, 25 से 25 तारीख रहेगी, माला से मलेरिया डे, तो 25 अप्रैल मलेरिया डे।
अब आ जाएगा नो तमाकू डे या तमाकू निषेध दिवस, इसको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं, मैं एक आदमी अगर 3 लोगों को तमाकू से मना करूं तो ऐसे सभी लोग धीरे धीरे तमाकू खाने से दूर हो जाएंगे। तो हमें ऐसे याद रखना है, मैं एक आदमी 3 लोगों से तमाकू खाने से क्या करना है, मना करना है। तो ऐसे हमें याद रह जाएगा, मई 31 नो तमाकू डे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें, मैं एक 3 आदमी से तमाकू खाने के लिए मना कर रहा है, तो वर्ल्ड नो तमाकू डे हमें कैसे याद हो जाएगा, 31 मई। वर्ल्ड हार्ट डे ये क्या है, 29 सितंबर, 29 सितंबर। तो इसको ऐसे याद रखें, तू ना दिल से सोचता है, तू ना दिल से सोचता है, तो तू और ना से क्या हो जाएगा, 29, दिल से हार्ट होता है, और से सितंबर, तो तू ना दिल से सोचता है, से इससे हमें 29 सितंबर याद हो जाएगी, हार्ट डे, ठीक है। तू ना दिल से सोचता है, तो इससे हमें वर्ल्ड हार्ट डे याद हो जाएगी इस ट्रिक से। अगला है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, ये क्या है, 10 अक्टूबर। अक्टूबर में हमें पता है कि क्या जनरली दशहरा पड़ता है, तो दशहरा से हमें क्या याद आता है, रावण। रावण के क्या थे, 10 सर थे। तो सर से क्या है, सिर से हम जो मेंटली, तो रावण क्या था, मेंटल बहुत प्राउडी था। तो इस तरीके से हमें 10 अक्टूबर से हमें दशहरा याद करना है, 10 से 10 तारीख याद हो जाएगी, और मेंटल से सिर। इस तरीके से हमें दशहरा से पूरा रिलेट करके वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर याद कर लेना है। अब है पोलियो डे 24 अक्टूबर, अक्टूबर से हमें याद रखना है ऑक्टोपस, और ऑक्टोपस की क्या होती है, 24 लगभग लेग होते हैं, और वो कैसे होते हैं, टेढ़े मेढ़े। तो पोलियो में भी क्या हो जाते हैं, लेग्स थोड़े से डिस्टोर्टेड हो जाते हैं, टेढ़े मेढ़े, और 2-4 टांगे किसकी है, ऑक्टोपस की होती है। तो इस तरीके से हमें ऑक्टोपस 24 याद रखना है, और पोलियो उसकी टांगों को ध्यान में रखते हुए हमें पोलियो डे याद हो जाएगा। तो ये वर्ल्ड पोलियो डे कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर। अब है 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है, बाल दिवस मनाया जाता है, और साथ में डायबिटीज डे। तो बाल दिवस 14 नवंबर, इससे हमें याद रहेगा कि बच्चे ज़्यादा मीठा खाते हैं, तो मीठा खाने से क्या होता है, डायबिटीज़ हो जाती है। तो इस तरीके से हमें वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 14 नवंबर याद रहेगा। इसके अलावा वर्ल्ड एड्स डे, ये इजी है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। या ऐसे याद कर लो कि एक ही देश में ऐसी बीमारी है जो सही नहीं हुई है, एड्स। तो इस तरीके से हमें 1 दिसंबर से वर्ल्ड एड्स डे याद रहेगा। तो दोस्तों, ये थे जितने भी डिसीज से रिलेटेड डे हैं, इनको आप एक बार देख लीजिए, और मेरी ट्रिक आप लिख लीजिए वीडियो में एक बार फिर से, आप चला के देखेंगे तो आपको ये पूरी याद हो जाएंगी। तो अब अगले जो नॉर्मल डेज हैं, जो किसी पर्सनालिटी के जन्मदिवस से जुड़े हुए हैं, वो हम देखते हैं। अब दोस्तों, जितनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटी हैं, उनके बर्थडे पे कोई कोई डे मनाए जाते हैं, तो हमें दोनों को याद रखना है, किसके जन्मदिन पे कौन सा डे मनाया जाता है, ये थोड़ा सा याद करना पड़ेंगे। 8-10 डे हैं, इसमें से कुछ तो आपको इजीली याद हो जाएंगे। जैसे युवा दिवस, युवा दिवस 12 जनवरी को विवेकानंद जी के बर्थडे में मनाया जाता है, तो ये हमें याद रहेगा कि विवेकानंद जी, उनका बर्थडे 12 जनवरी युवा दिवस मनाया जाता है। युवा थे वो, उन्होंने 12 जनवरी, शायद इसी दिन उन्होंने शिकागो में वसुधैव कुटुंबकम जो कॉन्फ्रेंस है उसमें अपना भाषण दिया था। तो यूथ डे इंडिया में उन्हीं की याद में 12 जनवरी को विवेकानंद जी के बर्थडे पर मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीदी दिवस मनाया जाता है, ये जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, उनकी इस दिन नाथुराम गोडसे ने वो गोली मारकर हत्या कर दी थी, तो इसलिए उनकी, उन्होंने अपना डे जो था, उनका शहीद वाला डे, उन्होंने बोला कि जितने भी स्वतंत्रता में लोग शहीद हुए हैं उनको याद करके मनाया जाए मेरा जो शहीदी दिवस है। तो
इसीलिए उनके 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। 28 ऑफ फेबररी, 28 फरवरी, इसको नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। और नेशनल साइंस डे क्यों मनाया जाता है कि जो प्रोफेसर सीवी रमन थे उन्होंने इस दिन रमन इफेक्ट की खोज की थी और इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। तो साइंस के क्षेत्र में अभूतपूर्ण योगदान था ये, इसीलिए भारत में नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है। अब इसके बाद है एंटी टेररिज्म डे, ये 21 मई को मनाया जाता है। इस दिन जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आतंकवादी अटैक में लिट्टे ने के एक आतंक टेररिस्ट ग्रुप है जो उसने बम से उनकी मृत्यु कर दी थी, मौत हो गई थी उनकी, इसीलिए इसी आतंकवाद के विरोध में 21 मई को एंटी टेररिज्म या आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है। अब अगस्त 29 भी बहुत खासा दिन है। इस दिन स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। ये किसके जन्मदिन की याद मनाया जाता है, जो मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर थे उनका जन्मदिवस होता है इस दिन, तो उन्हीं के जन्मदिवस को ऐसे स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। सितंबर 5 टीचर्स डे, ये सभी को याद होगा, हमारे जो राष्ट्रपति थे राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उनके बर्थडे पर टीचर्स डे मनाया जाता है। और सितंबर 15 को ही सर मॉक्सगुंडम विश्वेश्वरैया, जो कि एक बहुत बड़े इंजीनियर थे, उनके जन्मदिवस पे वर्ल्ड इंजीनियर डे, नेशनल इंजीनियर डे मनाया जाता है 17 सितंबर को। और 15 अक्टूबर को डॉक्टर कलाम, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, उनके जन्मदिवस पे वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया जाता है। वो हमेशा एक स्टूडेंट और टीचर के जीवन को महत्व देते थे, इसीलिए उनके डे को वर्ल्ड स्टूडेंट डे घोषित किया गया है। 31 अक्टूबर को यूनिटी डे मनाया जाता है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जन्मदिवस है उसके लिए मनाया जाता है वर्ल्ड यूनिटी डे। और सरदार वल्लभ भाई को आप देखा के बारे में पढ़ा भी है कि वो एकता के बहुत समर्थक थे, तो इसीलिए यूनिटी डे उनके जन्मदिवस के दिन मनाया जाता है। 23 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस। ये चौधरी चरण सिंह जी, जो हमारे इंडिया के 5th प्राइम मिनिस्टर थे, उनके बर्थडे पे मनाया जाता है किसान दिवस। तो ये कुछ दिवस थे जो फेमस पर्सनालिटी के बर्थडे पे मनाए जाते हैं। और भी कुछ डे हैं, वो इसमें वीडियो में नहीं दे पाया हूँ। अगर कोई मिले तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब और भी कुछ जो डे हैं, नॉर्मल डे हैं, उनको तो याद करना होता है, तो इस तरीके से आप याद रखिए। 9 तारीख को एनआरआई डे, 15 जनवरी को आर्मी डे, 24 जनवरी को बालिका दिवस और 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे। तो जनवरी में 9, 15, 24, 25, 9 को एनआरआई, 9 से एन, एन से एनआरआई डे, 15 लोगों की आर्मी डे, 24 साल की बालिकाओं की आजकल शादी की परमिशन जनरली है, तो बालिका दिवस 24 जनवरी इस तरीके से याद रख सकते हैं। और 25th ऑफ जनवरी ये वोटर डे होता है, 25th ऑफ जनवरी वोटर डे। नाउ मार्च में एक डे होता है 8 मार्च को वुमेंस डे, और एक और जो वुमेंस रिलेटेड है मई में, तो दोनों एम से माँ होता है, ठीक है, तो एम से माँ है, तो मई के जो सेकंड जो संडे होता है उसको मदर्स डे मनाया जाता है। बहुत ही जरूरी डे है। अब मई में कुछ और डे मनाए जाते हैं। मई में देखिए जो डे मनाए जाए हैं वो थोड़ा सा जो एक लोगों के ग्रुप से रिलेटेड है, जैसे 1 मई को लेबर्स डे या वर्कर्स डे मनाया जाता है, 3 मई को पत्रकारिता आज़ादी दिवस या प्रेस फ्रीडम दिवस पत्रकार लोगों से, और 4 मई को मनाया जाता है कोल माइनर्स डे। तो ये लोगों के ग्रुप हैं, या चाहे वो लेबर्स हों, बहुत सारे ग्रुप में रहते हैं वर्कर्स, तो वो 1 मई को अपना डे मना रहे हैं। पत्रकार भी एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है पत्रकारों का, तो वो प्रेस फ्रीडम डे वो 3 मई को मना रहे हैं, और कोल माइनर्स का भी बहुत बड़ा ग्रुप है, तो ये 4 मई को, तो 1, 3, 4 को वर्कर्स, प्रेस और कोल माइनर्स के डे हैं ये मई में है।
अब जून के जो थर्ड संडे है उसको मनाया जाता है फादर्स डे, याद रखिए। 14 जून, 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है, और 21 जून को, अगर आप 14 जून को ब्लड डोनेट कर रहे हैं मीन्स आप स्वस्थ हैं, तो 21 जून को आपको योगा करना होगा। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून को मनाया जाता है। इस तरीके से हम दोनों को कोरिलेटेड कर लेते हैं। ब्लड डोनेट कब करता है आदमी? जब स्वस्थ होता है, तो 14 जून को ब्लड डोनेट कर सकता है, और अगर वो स्वस्थ है नहीं है तो उसको फिर 21 जून से योगा स्टार्ट करना होगा। इस तरीके से हम दोनों डे याद रख सकते हैं। अक्टूबर में जो डे हैं थोड़े से अलग अलग हैं, आपको याद ही करना पड़ेंगे। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे है, 9 अक्टूबर को पोस्ट ऑफिस डे है, 10 अक्टूबर को नेशनल पोस्ट ऑफिस है। तो 9 और 10 अक्टूबर को क्या क्या पड़ रहा है? 10 अक्टूबर को एक पहले मैंने डिसीज बताई थी, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, इसी को 10 अक्टूबर को नेशनल पोस्ट डे पड़ रहा है, और 9 को वर्ल्ड का पड़ रहा है, 10 को इंडिया का पड़ रहा है। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे बनता है, वर्ल्ड खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस बोलते हैं इसको, ये 16 अक्टूबर को पड़ता है। नवंबर में कोई ऐसा डे है नहीं, बाल दिवस हम बता चुके हैं, और डायबिटीज डे भी उसी दिन होता है। अब दिसंबर की बात करते हैं, दिसंबर 3 को वर्ल्ड डे ऑफ हैंडीकैप्ड, 3 तारीख को ये जो दिव्यांग लोग हैं उनका डे होता है, वर्ल्ड डे ऑफ हैंडीकैप्ड। 4 दिवस को इंडियन नेवी डे होता है, 7 दिवस को इंडियन आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे, ये दिसंबर में आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे पड़ता है, और 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट, विश्व मानवाधिकार दिवस पड़ता है 10 दिसंबर को। तो इस तरीके से हमें दिसंबर के डे याद हो गए। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, आशा करता हूँ आपको हमारा ये डेज रिलेटेड वीडियो अच्छा लगा होगा। आप 1 से 2 बार ये वीडियो देखेंगे तो आशा करता हूँ कि आपको लगभग 25 से 30 डे याद हो जाएंगे, और आप कोई भी एग्ज़ाम में गलतियाँ नहीं करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर द वीडियो।